नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून सभी का वेलकम है। आ जाइए जल्दी जल्दी और हम शुरुआत करते हैं। तो भाई जल्दी से आ जाओ सभी लोग। और एक देखो, एक लापरवाही जो कि लगातार देखने में आती है और बाद में बच्चे दूसरे को दोष देते हैं, आपने कई बार ऑब्जर्व किया होगा, तो आप इन चीजों से थोड़ा बचें। सभी लोग वेलकम, दुर्गेश, निखिल, दीपक सायनी, आरू, शिवा, राघवेंद्र दास, दिलीप मालवीय, सभी का वेलकम है। गुड आफ्टरनून सभी को, राम राम, नमस्कार। देखो, पहली चीज तो एक तलाश की जाती है कि भाई हमें एक अच्छा सा कोर्स मिल जाए और हम अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लें। और जब आपको एक अच्छा सा कोर्स मिल जाता है तो उसमें भी कई बार तसल्ली नहीं होती और हम लापरवाही करते हैं, हम इधर उधर भटकते रहते हैं, बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीच भी सुनते हैं, ज्ञान की बातें सुनते हैं। और जिस वक्त हम ज्ञान की बातें सुनते हैं उस समय हमारे जो नेत्र है, जो आंखें हैं, वो खुलती हैं और उस पर्टिकुलर दिन बहुत एनर्जी में होते हैं और एक बढ़िया सा टाइम टेबल भी टिपते हैं, है ना, और उस टाइम टेबल को फॉलो करने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन एक दो दिन के बाद में हमारी एनर्जी पूरी तरह से फिर से डाउन हो जाती है। देखो, आपको अपने आप में परफेक्ट होना बहुत जरूरी है। अगर आप खुद सेल्फ मोटिवेशन अगर आप नहीं ले सकते हो तो आपके लिए दुनिया में कोई मोटिवेशन बना ही नहीं है, ठीक है। आपको कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड नहीं हो तो, ठीक है। तो इस बात का विशेष तौर पर आप ध्यान रखें सभी लोग कि अगर आप जुड़ते हैं तो मैंने एक बात हमेशा से कही है कि आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हैं आप प्रॉपर तरीके से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए और रेगुलर पढ़िए, ठीक है। अगर आप रेगुलर पढ़ते हो तो आप यकीन मानो कि आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी तरह से किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हो तो फिर आपको परेशानी होगी, ये बात आप भी जानते हो। चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। और एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट चल रहा है, आप जानते हो कि बिल्कुल इंटरेस्टिंग और आसान से क्वेश्चन चल रहे हैं जिसमें आप जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेहतरीन कमांड होगा और उतना ज्यादा अच्छा आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, गुड आफ्टरनून सभी को, नमस्कार। प्रिंस, अंजलि, काजल, करीना, सभी का वेलकम है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे। और आज का टारगेट कितना है सभी लोग कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे, कितने क्वेश्चंस का टारगेट आपने लिया है, आप में से सभी ने कितने क्वेश्चंस का टारगेट लिया है, जल्दी से एक बार मुझे कमेंट करके बताएं फास्ट। कितने का टारगेट है भाई? 50, 100। अगर 100 का है तो 100 कंप्लीट करेंगे, 50 का है तो 50 कंप्लीट करेंगे, आपकी मर्जी। सत्यम प्रसाद का कहना है 150, प्रिंस शुक्ला कहना है 200। वाह भाई, इतनी खतरनाक खतरनाक एनर्जी में तुम लोग आए हो, हैं? पूजा वेलकम बेटा। शिवा गौतम का है 100। काजल बेटा, आप क्लास के बाद में और जैसे ही जाओगे ना, वहां कमेंट सेक्शन अपने आप शो होता है और वहीं से आप कमेंट कर सकते हो। 100 एनफ। चलो, मुझे ऐसा लग रहा है कि 100 का टारगेट हम ले लेते हैं और 100 का टारगेट बहुत है। तो आज की कहानी की शुरुआत करते हैं, एक बार सभी लोग थम्सअप करेंगे और फिर आगे बढ़ते हैं हम। तो बहुत है, पर्याप्त है। तो आज की कहानी का हमारा पहला क्वेश्चन है, देखो अभी हमारी जो एनालॉजी है, एनालॉजी में पहला टाइप चल रहा है और पहला टाइप में अभी हमने उठाया है वर्ड एनालॉजी, यानी शब्दों पर आधारित जो क्वेश्चंस बनते हैं जिस पर आपको जीएस का भी नॉलेज होना चाहिए, है ना, आपको पूरी तरह से जो भी जनरल नॉलेज होता है उसका नॉलेज हो, ठीक है, आपको फॉर्मूले वगैरह पता हो, क्लियर, आपको कैपिटल्स, आपको स्टेट्स, कंट्रीज, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम शुरुआत करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है,
पर आप देख पा रहे हो फॉक्स का रिलेशन कनिंग से है, ठीक है। तो अब इसके बाद की कहानी आप समझो कि रैबिट का रिलेशन किससे होगा, क्लियर। अगर लोमड़ी चालाक होती है तो खरगोश क्या होता है ये आपको बताना है, और आपके समय की शुरुआत हो चुकी, बहुत ही स्पीड से हमें उड़ाते चलना है, सभी को बहुत ही स्पीड से उड़ाते चलना है। आप देख रहे हो कि एनिमल बिहेवियर से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एनिमल बिहेवियर से, और सभी लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे। भाई देखिए ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हो तो भाई लोमड़ी क्या होती है, चालाक होती है, उसका बिहेवियर है, ठीक है। तो आप जानते हो कि खरगोश कैसा होता है, डरपोक होता है, ये टिमिड होता है। तो आपका सी नंबर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, और आप देखिए यहां से फ्लेक्सिबल रिजिड, तो कॉन्फिडेंस का आपको बताना है कि अपोजिट पूछ रहा है कि पर्यायवाची पूछ रहा है, ये बात मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये बता दूंगा तो क्वेश्चन तो वैसे भी सॉल्व हो जाएगा। इन क्वेश्चंस में कोई मेथड नहीं है, कोई भी कुछ भी तरीका नहीं होता है, ठीक है। आपको बस देखना है, अगर बनता है तो आप कर पाएंगे, नहीं बनता है तो नहीं कर पाएंगे, बस एक सिंपल सी बात है। फ्लेक्सिबल, हाँ जी हाँ बिल्कुल आ चुका है, आया हुआ क्वेश्चन ही है, आप देख सकते हो। देखो बेटा फ्लेक्सिबल का जो अपोजिट होता है वो रिजिड होता है, तो कॉन्फिडेंस का अपोजिट, अगर आपको आत्मविश्वास है तो आत्मविश्वास का जो अपोजिट होता है वो क्या होगा, डिफिडेंस होगा। डिफिडेंस का मतलब होता है संकोच होना, कंफ्यूजन होना। आत्मविश्वास का मतलब यस आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं, ये क्या है भाई, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस है तुम्हारा। लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजन होना, अरे यार हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये क्या है, उसका अपोजिट है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिफिडेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे उड़ाते चलना है। सौरो क्राई टू मर्थ, की बताइए मर्थ का रिलेशन किससे होगा, जल्दी से बताओ सभी लोग, सभी शेयर करेंगे और हम जितने हैं हमें एटलीस्ट इसका डबल होना है फास्ट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो जब इंसान इन स्टेट ऑफ सोरो होता है, यानी जब वो दुख की अवस्था में होता है, तो वो क्या करता है, रोता है। और जब वो मर्त की कंडीशन में होता है, मर्त का मतलब होता है खुशी, जब वो खुशी की स्टेट में होता है तो वो क्या करता है, तब वो क्या करेगा भाई, हंसता है, ठीक है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा भाई, हंसने की बात की जा रही है इसमें, देखो हर्ष से मतलब नहीं है, क्लियर है। हंसना एक प्रक्रिया है, जिस तरह से रोना एक प्रक्रिया, आप समझ रहे हो, क्लियर है। खुशी तो आप अंदर अंदर भी खुश हो सकते हो, सिर्फ स्माइल करते हुए भी खुश हो सकते हो, लेकिन यहां रिलेशन को आपको देखना है कि दुख का रिलेशन रोने से है, ठीक है, उसी तरह से खुशी का रिलेशन हंसने से होगा, क्लियर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फोर, और ये लीजिए, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। गुड आफ्टरनून पीयूष, रितेश गुड आफ्टरनून भाई, वेलकम। रितिका, अजब सिंह जी वेलकम, सभी लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे सेशन को, सभी लोग भाई जल्दी जल्दी। चलिए वेरी गुड, आप देख सकते हो लव हेट का अपोजिट है, और जो प्राउड है, प्राउड किसका अपोजिट होगा, विनम्र का अपोजिट होगा, हम्बल। प्राउड का अपोजिट क्या होगा, हम्बल होगा, विनम्र होगा। प्राउड का मतलब एक अहम से भी मतलब होता है, घमंड से भी मतलब होता है, और ये हम्बल का मतलब आप देख रहे हो कि एक नम्र व्यक्ति, नम्र होना, किसी प्रकार का कोई भी ईगो वगैरह कुछ भी नहीं है, क्लियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देख सकते हैं जल्दी से आप बताइए क्या होगा। यहां लाइट का जो रिलेशन दिखाया गया है डार्कनेस से दिखाया गया, तो नॉलेज का रिलेशन किससे दिखाया जाएगा बताइए। बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया, और सभी लोग शेयर करते चले अधिक से अधिक, जबरदस्त आंसर देते चलो भाई, वेरी गुड। देखो आप सभी लोग जानते हो कि अंधकार को कौन खत्म कर सकता है, तो अंधकार को प्रकाश खत्म कर सकता है। और अगर मैं बात करूं कि अगर हम इसकी बात करें भाई, इग्नोरेंस की, अज्ञानता की अगर हम बात करते हैं, तो अज्ञानता को खत्म कैसे किया जा सकता है, तो नॉलेज से खत्म किया जा सकता है इग्नोरेंस को। तो यही आपका होगा करेक्ट आंसर, ठीक है। और सभी का बिल्कुल सही आंसर आया था, वेरी नाइस। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, और इसका आप रिलेशन देखना कैसे दिया गया है, कहां से बनाया गया है,
जैसे सीजर्स क्लॉथ, तो अब आपको देखना है और आंसर करना है, बताइए, क्योंकि इनमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा तो आंसर अपने आप आ जाएगा, इसलिए मैं बाद में ही बता सकता हूं आपको। स्टार्टिंग में आप क्वेश्चन पढ़िए और मान लीजिए कि आप एग्जाम में बैठे हो, क्वेश्चन आपके सामने आया, आपको तुरंत आंसर करना पड़ता है, इसी तरह से यहां भी आपको करना है। वेरी गुड। देखिए सीजर इज यूज टू कट द क्लॉथ, आप सभी लोग जानते हो कि जो कैंची है उसका उपयोग कपड़े को काटने में किया जाता है। इन द सेम वे रेजर इज यूज टू शेव, ठीक है, आप जानते हो कि रेजर का यूज शेविंग के लिए किया जाता है, तो यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देख सकते हैं आप, स्टेथोस्कोप, हार्ट बीट, तो टेम्परेचर, बहुत इजी क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जल्दी जल्दी उड़ाते चलिए, शेयर करते चलिए अपने दोस्तों को, क्लियर है, ये चैलेंजिंग सेशन है, 100 क्वेश्चंस कंप्लीट करना एक हमारे लिए चैलेंजिंग है, पूरे मन से सॉल्व करते चलो, पूरे मन से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो बेटा, अगर स्टेथोस्कोप का यूज किया जाता हार्ट बीट मेजर करने के लिए, धड़कन मेजर करने के लिए, तो टेम्परेचर मेजर करने के लिए आप सभी लोग जानते हो कि थर्मोमीटर का यूज किया जाता है, यानी डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल, ये क्वेश्चन जो आपका टेम्परेचर वाला, ये कई बार डिफरेंट डिफरेंट तरीके से पूछा जाता है, ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, स्प्रिंग समर, तो आप बताइए क्या होगा इसका आंसर, क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने। वेरी गुड, देखिए बसंत ऋतु के बाद में गर्मी की ऋतु आती है, तो संडे के बाद में उसी तरह से मंडे आता है, तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो फर्स्ट होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्रॉप फार्म, तो ओर कहां पर प्राप्त होता है, ठीक है, आधा तो मैंने ही बता दिया, इतना एक्सप्लेन करके इतने में ही काम हो जाता है, बस थोड़ा सा आप जैसे ही क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दिया जाए ना, तो उसका आंसर मिल जाता है इसमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो आप जानते हो कि फसल कहां से मिलती है, खेत से, तो एस्क जो ओर है वो कहां से मिलता है, खदान से, ठीक है, खदान माइन से, और इसकी खुदाई होती है, आप सभी लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, डॉग रैबीज, तो मॉस्क्यूटो, बताइए, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, ये लीजिए। अब इसको आपको खुद समझना है, शेयर जरूर करते जाइएगा, लाइक करते जाओ भाई, जितने लोग अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइक हमें उतने भी नहीं मिल पाए, तो जल्दी से आप सेशन को लाइक करिए, और अगर नहीं पसंद आ रहा हो तो डिसलाइक कर दीजिए, ठीक है, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करो भाई, लाइक की संख्या तुरंत बढ़ा दो, जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए सेशन को भाई, फास्ट। वेरी गुड, आप देख सकते हैं कि कुत्ते का रिलेशन अगर रैबीज से दिया हुआ है, आप जानते हो कि ये क्या है, एक बीमारी है ना, ठीक है, आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं कि जो मच्छर है, मच्छर के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो मलेरिया, ये आपका जो सी नंबर है ये क्या है, करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वेरी नाइस, जल्दी जल्दी आगे बढ़ते चलो। और ये आ चुका है आपके सामने अगला सवाल, और इसको हमें उड़ाना है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जितना कम समय आप लोगे उतने ज्यादा क्वेश्चन हम कर पाएंगे, ठीक है, हमें बिल्कुल भी हमें टाइम खराब नहीं करना है, और सभी को सेशन को लाइक करना है, शेयर भी करते चलिए, आपका जो भी दोस्त यार नहीं जुड़ा हो उसको आप शेयर करके जरूर जोड़ लो भाई, शेयर करके आप जोड़ लीजिए उसको जल्दी से, बहुत अच्छा आंसर कर रहे हो। देखो घड़ी का काम क्या होता है, समय बताना, अब देखो फिर से देखो वही क्वेश्चन है ना, फिर से वही क्वेश्चन है लेकिन अलग तरीके से पूछ रहा है, तो ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड हुआ है और बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीटेशन है इसका, जबकि इसमें कुछ भी नहीं है, सब लोगों से बनता है। टेम्परेचर, तो थर्मोमीटर आप देख रहे हो कि तापमापी का जो रिलेशन है वो टेम्परेचर से है, तो ये किसी भी तरीके से घुमा फिरा करके पूछे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर आपका चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है और हम आगे बढ़ते हैं, ये लीजिए भाई जल्दी से उड़ाते चलो, डॉक्टर पेशेंट और वकील, तो आपको इसको समझना है क्या रिलेशन बन रहा है, क्या रिलेशन बन रहा है, कई बार जल्दबाजी में हम क्वेश्चन गलत कर देते हैं। सेशन को जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दो भाई, जिसने भी लाइक नहीं किया है फास्ट जल्दी लाइक करिए। देखो अगर मैं इसको शुद्ध भाषा में एक्सप्लेन करूं तो आप समझ सकते हो कि डॉक्टर का जो कस्टमर होता है वो पेशेंट होता है, मरीज होता है,
और जो लॉयर होता है उसका कस्टमर कौन होता है, उसका कस्टमर होता है क्लाइंट यानी मुवक्किल। तो बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। एकदम शुद्ध और सिंपल भाषा में मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। बाकी आप इस तरह से भी देख सकते हो कि जो डॉक्टर है वो मरीज का ट्रीटमेंट करता है और जो लॉयर है वो किसकी हेल्प करता है भाई, मुवक्किल की करता है, क्लाइंट की। चलिए अगला सवाल है आपके सामने और आपके समय की शुरुआत होती है अब। ये लीजिए, इनकरेजमेंट विक्ट्री और फ्रस्ट्रेशन कब होता है? बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत आसान सा है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। 32 लोग अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो 32 लोग अगले 20 लोगों को लाने में सक्षम हो सकते हैं, बिल्कुल भी कठिन काम नहीं है। तो आप एक एक बंदे को शेयर जरूर करें, एक एक बंदे को शेयर करना है, ठीक है, बंदा हो या बंदी हो, क्लियर। हमारे लिए सब एक समान, सिलेक्शन किसी का भी हो स्टार सबको मिलता है, क्लियर है। चलिए बहुत खूबसूरत, आप देख सकते हो कि इनकरेजमेंट मिलता है जब विजय मिलती है, जब आप लाइफ में सक्सेस होते जाते हो तभी आपको प्रोत्साहन मिलता है। जैसे मान लो पहली बार हमने कोई भी एग्जाम दिया तो हम छोटा सा छोटी सी कोई पोस्ट पा गए, हम ऑडिटर बन गए, ठीक है, हम कोई भी टैक्स असिस्टेंट बन गए, उसके बाद हमें अंदर से ताकत मिलती है, इनकरेजमेंट मिलता है कि अब हम और बेहतर कर सकते हैं, और उसके बाद हम बड़ी पोस्ट तक भी पहुंच जाते हैं। तो वही सेम कहानी है। लेकिन आप यह भी जानते हो कि इंसान जब फ्रस्ट्रेशन में होता है, निराशा कब होती है, जब वो फेलियर पाता है, जब वो असफलता हासिल करता है, तभी उसको क्या होती है, निराशा होती है। तो आपका इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी। एंड ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है भाई, बहुत ही शानदार सवाल है और मैं आपके समय की शुरुआत करता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत कम समय दे रहा हूं। देखो कुत्ता कैनाइन, डॉग कैनाइन, हॉर्स, तो बताओ भाई जल्दी जल्दी क्या होगा इसका आंसर। वेरी गुड, काजल बेटा देखो एक तरीका तो ये होता है कि आप लोग थोड़ा मेरे हिसाब से तैयारी कर लो, या तो फिर आप लोग अपने हिसाब से अपने पास से ही करो तैयारी। मैंने जिस दिन ये बैच लॉन्च किया था मैंने उस दिन एक बात आपको बोली थी कि पहले हम टाइप वाइज टॉपिक वाइज प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है, और फिर टॉपिक्स में जैसे ही कमांड हो जाएगा तो फिर मिक्स प्रैक्टिस करेंगे। अगर आपको ये बात एक बार में नहीं समझ में आती है तो फिर आप आपके हिसाब से और भी कहीं जहां मिक्स प्रैक्टिस चल रही हो तो प्लीज आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो, मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। लेकिन आप ये बात जानते हो, देखो मैंने अभी ये तैयारी आपकी शुरू करवाई है और ये हमने टारगेट लिया है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, जो एग्जाम आपके नवंबर में होंगे, दिसंबर में होंगे, जनवरी में होंगे, फरवरी में होंगे, इनका हमने टारगेट लिया है। तो हमने क्या टारगेट लिया है, हमने ये टारगेट लिया कि सबसे पहले हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम मिक्स क्वेश्चंस करेंगे। तो मिक्स क्वेश्चन आप किसी भी तरह से कर सकते हो, मॉक टेस्ट के माध्यम से कर सकते हो, या लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। तो ये सब कुछ मेरे दिमाग में है और मैं उसी सीक्वेंस पर चल रहा हूं, लेकिन मैंने पहले दिन ये बात बता दी थी, उसके बाद भी आप लोग इस बात को भूल जाते हो। आप नोट कर लो सारी चीजों को जो मैं बोलता हूं, ठीक है। चलो आप देख सकते हो कि ये जो डॉग है वो कैनाइन एनिमल है, उसी तरह से जो हॉर्स होता है वो क्या होता है भाई, हूफ एनिमल की कैटेगरी में आता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मेंढक क्या दिया भाई, टैडपोल फ्रॉग जो है मेंढक का बच्चा है, कब क्या है शेर का बच्चा। तो ये तो आप हिंदी पढ़ोगे तो वैसे भी सेकेंड्स में बता दोगे, सेकेंड्स में आप बता दोगे। एक बार बहुत सारे पहले टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर लो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, आप टॉपिक वाइज एक बार कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो मैं आपके साथ ही हूं और मैं आप ही के लिए तो पढ़ा रहा हूं, आप ये बताओ इसको ये मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊं या मिक्स पढ़ाऊं, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी होना, एक्सप्लेन तो मुझे उसी तरह से करना है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि एक एक बार पहले हम टॉपिक वाइज कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे दिमाग में सारे कंसेप्ट आ जाएंगे, ठीक है। जब भी तुम मिक्स क्वेश्चन लगाओगे ना तुम्हारे दिमाग में आएगा, अच्छा ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, अच्छा ये क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन का क्वेश्चन है, ये डाइस का क्वेश्चन है, ये पेपर कटिंग का क्वेश्चन है, पेपर फोल्डिंग का क्वेश्चन है। टॉपिक वाइज जब पढ़ लोगे, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, अरे पजल का क्वेश्चन है, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, तो पहले टॉपिक वाइज पढ़ना बहुत जरूरी होता है, उसके बाद मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी बहुत जरूरी होती है। दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है, दोनों पर हम काम करेंगे, ये पक्का करेंगे, ठीक है, ये मेरा वादा है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, ठीक है। अब देखो इसमें जो टैडपोल होता है वो फ्रॉग का बच्चा होता है, तो जो कब है वो लॉयन का बच्चा होता है। वैसे भी आप अगर हिंदी देखोगे तो तुरंत आप इसका आंसर बता दोगे। अगला क्वेश्चन देखिए, ब्रिक मैशन, तो आपको दिया है कलर, कलर का रिलेशन किससे होगा बताइए जल्दी से, रंग। क्वेश्चन नंबर 16, बहुत अच्छा आंसर कर रहे,
अरे नहीं बेटा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। देखो परेशान होने से कुछ नहीं होता है, ये बात समझ लो आप, ठीक है। अगर परेशान होना किसी भी चीज का सलूशन होता ना, तो मुझे लगता है कि मैं सबसे ज्यादा परेशान हो जाता। कुछ नहीं होता परेशान होने से, कुछ नहीं होता, समझ रहे हो। देखो ध्यान से, ब्रिक का इस्तेमाल कौन करता है? मिस्त्री करता है। ईंटों का प्रयोग और कलर का प्रयोग कौन करेगा बताओ? कलर का प्रयोग ऑब्वियस सी बात है पेंटर करेगा, चित्रकार, इसको कलर की जरूरत पड़ेगी। जिस तरह से मिस्त्री को ईंटों की जरूरत पड़ती है, उस तरह से चित्रकार को कलर की जरूरत पड़ेगी। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, स्लीप रेस्ट, तो प्ले से क्या होता है बताइए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 17, सभी लोग शेयर करेंगे और लाइक जरूर करेंगे सेशन को, अधिक से अधिक शेयर करें सभी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। देखो सोने से आराम मिलता है और खेलने से मजा आता है, आनंद मिलता है, ठीक है। तो ये आपका जो फर्स्ट होगा यही करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, वेरी गुड। अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर देख सकते हो आप, टिमिड एस चतुर कौन होगा? तो ये क्वेश्चन आपको सबसे पहले ही मिला था, अब दूसरे तरीके से पूछ लिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, दूसरे तरीके से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से कैसे पूछे सर? रीजनिंग के कितने चैप्टर हो गए? नेहा शर्मा बेटा ये पहला चैप्टर है और आप बिल्कुल सही समय में जुड़े हो, पहला चैप्टर है, इसको हम कंटिन्यू करेंगे प्रॉपर। वेरी गुड। देखो ये जो टिमिड है, एस भी क्या होता है भाई? डरपोक होता है, जैसे खरगोश डरपोक होता है उसी तरह से एस भी क्या होता है? टिमिड होता है। तो चतुर कौन है? चतुर तो आप सभी लोग जानते ही हो कि कौन है, लोमड़ी पॉक्स, क्लियर है। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एक्सटेसी ग्लूम, तो अब बताइए इसका क्या, किससे रिलेशन हो पाएगा बताओ भाई जल्दी से? हर्षोन्माद और ग्लूम दुखी, वेरी गुड। चलो देखो ध्यान से, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्ड है, क्या है ये यहां पर देखो, हर्षोन्माद मतलब खुशी और ये क्या हो गया दुखी, तो आप यहां देख सकते हो इससे परिश्रमी सफलता इनका कोई रिलेशन नहीं है, बधाई अवसर इनका कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अपोजिट का यहां रिलेशन नहीं बन रहा, सिर्फ यही बन रहा है ह्यूमिलिटेशन एक्सल्टेशन, इसका मतलब ये होता है अपमान करना, और उमंग का इसका मतलब एक होता है सम्मान करना भी होता है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, डी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। कई बार जब आपको वर्ड मीनिंग देख करके आंसर समझ में नहीं आए, इन दैट केस आप ऑप्शन हटाने की कोशिश किया करो, अगर आप ऑप्शन हटा लोगे तो भी आप करेक्ट आंसर बता पाओगे। और जिसने अभी लाइक नहीं किया भाई जल्दी सेशन को लाइक करिए और अगला क्वेश्चन उड़ाइए जल्दी से, जल्दी से जल्दी अगला क्वेश्चन उड़ा दीजिए। आपको दिया है कंट्री प्रेसिडेंट टू स्टेट, बताओ भाई, वेरी नाइस, मजा आएगा ही आएगा और हम पूरी कोशिश में 100 क्वेश्चन हम जल्दी से जल्दी उड़ा दें। ठीक है, वेरी गुड। देखिए यूनियन एग्जीक्यूटिव का जो हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, आप जानते हो कि कंट्री लेवल में जो प्रेसिडेंट का काम होता है वो स्टेट लेवल में किसका काम होता है? राज्यपाल का, गवर्नर का काम होता है। स्टेट लेवल की अगर बात करें हम, राज्य लेवल की बात करें, सभी लोग जानते हो, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? डी होगा। कई लोगों ने चीफ मिनिस्टर लगा दिया, बेटा चीफ मिनिस्टर कैसे होगा? चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, अगर कंट्री का रिलेशन प्राइम मिनिस्टर से दिया होता तो फिर आपका स्टेट का रिलेशन चीफ मिनिस्टर से होता, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, चीफ मिनिस्टर नहीं होगा, कंट्री का रिलेशन जब प्राइम मिनिस्टर से देगा तब स्टेट का रिलेशन चीफ मिनिस्टर से होगा, और जब कंट्री का रिलेशन प्रेसिडेंट से देगा तब स्टेट का रिलेशन गवर्नर से होगा। इस बात का ध्यान, इस बात के बारे में आप थोड़ा सा और डिटेल में जानो, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन आपने मेरे से ज्यादा अच्छे से पढ़ा होगा, मैं तो जीएस का विद्यार्थी भी नहीं हूं, मेरा जीएस तो वैसे भी राधे राधे है। हाँ भाई सभी लोग लाइक कर दो जिसने लाइक नहीं किया है। बहुत बढ़िया,
देखो जो आप जानते हो जो मिरेज है डिजर्ट में होती है मृग मरीचिका और स्थल में, तो रेनबो कहां पर बनता है? रेनबो स्काई पर बनता है, आकाश पर। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर 21 का बी नंबर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जितने बच्चों ने बी दिया है बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार, एक्सीलेंट, सभी ने बहुत शानदार दिया है। और जिसने डी दे, जो डी दे रहे हैं या तो वो हाँ जल्दबाजी में दे रहे हैं या तो फिर जैसा भी। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने है, फिश स्केल्स तो भालू बताइए। ये लीजिए आपका समय शुरू होता है अब। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए आपके समय की समाप्ति हो रही है और आप देख रहे हो कि जो फिश की बॉडी जिससे कवर होती है ना उसे आप क्या कहते हो? स्केल्स कहते हो। तो जो बियर है भालू, भालू की बॉडी जिससे कवर रहती है वो क्या कहलाते? फर। ठीक है, फर कहलाते, उसे क्या कहते हैं बेटा? उसे फर कहते हैं। राइट, हाँ जी, नहीं सी नंबर करेक्ट आंसर है। लीव्स कहां पत्तियों से ढक रहे हो तुम भालू को बताओ? है ये कौन है बी नंबर आंसर दे रहा है बताओ? पत्तियों से ढक दो तुम, कई लोग पंखों से ढके दे रहे हैं। अगला सवाल है, राइटर को आप देखो लेखक को किसकी जरूरत होती है? पेन की। अब इसके बाद आप समझो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी देखो एक बात बताओ, राइटर को किस चीज की जरूरत होती है? पेन की, वो कलम से लिखता है। और जो पेंटर होता है उसको कैनवास की जरूरत होती है, वो पेंटिंग किस पर करता है? कैनवास पर करता है। तो आप देख रहे हो कि ये सी नंबर आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आप यहां ध्यान से देखो, कई लोगों ने ए लगाया है लेकिन मेरी बात समझो, यहां पर आपको दिया है निडल यानी औजार और यहां पर ये दिया है दर्जी, इधर उल्टा लिखा है, इधर देखो राइटर लिखा हुआ है और इधर उसका ये जो औजार है ना, तो ये तो हो ही नहीं सकता किसी भी हालत में। आर्टिस्ट को ब्रश की जरूरत पड़ती है, क्लियर है, आर्टिस्ट को ब्रश की, आर्टिस्ट को कोई जरूरी नहीं कि ब्रश की जरूरत होगी, पेंटर को ब्रश की जरूरत पड़ भी सकती है, क्लियर। अब देखो टीचर को क्लास की जरूरत, तो कोई क्लास कोई सामान नहीं है, यह भी नहीं हो सकता। तो सी नंबर आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा, क्लियर है। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से यही तो हमें सीखना पड़ता है, क्लियर है। हाँ जी, ऑप्शन से हमें यही चीजें सीखना पड़ता है, ऑप्शंस को हटाना, क्लियर। आप ध्यान से देख लीजिए, शायद आप समझ पाए होंगे। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर देखिए 24 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रोसेशन रूट अर्थ बताओ भाई क्या होगा? वेरी गुड। देखो जब रास्ते में जुलूस निकाला जाता है तो पृथ्वी कहां पर घूमती भाई? कक्षा में, ऑर्बिट पर। ठीक है, किसके चारों ओर परिक्रमा लगाती है? सूर्य के। कहां पर घूमेगी? ऑर्बिट पर। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने आ चुका है। आज हम सभी को मिलकर 50 का टारगेट पूरा करना है, 50 लाइक्स पहुंचाना है जल्दी, देखते हैं क्या होता है। 50 लाइक्स। फर्टिलाइजर क्रॉप्स, ठीक है। आप ये बताओ, अगर फसल को मजबूत करना है तो फर्टिलाइजर का यूज किया जाता है, अगर बॉडी को मजबूत करना है जब वीकनेस आ जाती है तो टॉनिक का यूज करते हो आप, और यही आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, बात आ रही है समझ में? आगे बढ़ेंगे और अगला क्वेश्चन ये है आपके सामने, ये बताइए। क्लास में सभी लोग लाइव जुड़ने की कोशिश किया करो, बाद में आप रिकॉर्डेड तो देखोगे लेकिन रिकॉर्डेड के लिए रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति भी तो होना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्लास में लाइव नहीं हो तो ज्यादा समय तक क्लास थोड़ी चलेगी। देखो भाई, अगर
जब आप फास्ट करते हो, व्रत करते हो तो भूख लगती है, और जब आप रेस लगाओगे तो आप थकोगे ना, मतलब आप टायर्ड होगे, जब आप दौड़ोगे तो टायर्ड होगे आप, बात क्लियर? ठीक है, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ही आ चुका है, एंटोनिम सिनोनिम्स, तो एनालिसिस बताइए क्या होगा, विश्लेषण। वेरी गुड, देखो एंटोनिम का अपोजिट होता है सिनोनिम, तो एनालिसिस का अपोजिट हो जाएगा क्या, सिंथेसिस संश्लेषण, जिस तरह से विश्लेषण का अपोजिट क्या हो जाएगा, संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बुक ऑथर स्टैच्यू, स्टैच्यू कौन बनाएगा, क्या भाई किसी का आंसर सही नहीं आ रहा है, है मिस्त्री से बनवा लोगे? जब आपको यहां हिंदी भाषा में शुद्ध शुद्ध लिखा है तो आप गलती कैसे कर सकते हो, है आप ये बताओ किताब को कौन लिखता है, लेखक, तो मूर्ति कौन बनाएगा, मूर्तिकार बनाएगा ना, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और हिंदी आप देख लोगे तो वैसे भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कई बार आपको क्वेश्चन की हिंदी देखना पड़ेगा, कई बार आपको इंग्लिश देखना पड़ेगा, ठीक है सिचुएशन के हिसाब से। अगला सवाल आपके सामने, लाइफ डेथ तो होप एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, क्वेश्चन नंबर 29। बहुत शानदार सेशन चल रहा है, बहुत ही बढ़िया आप कर रहे हो, और सभी लोग लाइक करेंगे भाई, जो भी आता है वो लाइक करेगा, जल्दी से लाइक करेंगे। देखो सभी को मालूम है कि लाइफ का अपोजिट क्या होता है डेथ, और होप का अपोजिट क्या हो जाएगा, आशा का अपोजिट होता है निराशा, तो ये सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर, यस वेरी गुड। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 में आप आ चुके हो, सन नेफ्यू तो डॉटर, बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, चलिए आप इसमें देख सकते हो कि ये दोनों क्या है, मेल्स हैं, तो यहां से डॉटर का रिलेशन, अगर ये नेफ्यू यहां पर लिया गया है, पुत्र से देखो पुत्री, तो नेफ्यू से क्या हो जाएगा, भतीजी यानी नीस, तो ये आपका देखो करेक्ट आंसर होगा, क्लियर है, क्लियर। अब कई लोगों ने, अच्छा किसी ने सी भी दिया है, सिस्टर, नहीं बेटा है ना, किसी ने बी तो नहीं दे दिया, साली, चलो भाई आगे। अगला सवाल, और आपके समय की शुरुआत होती है, बताइए रिंग ईयर तो कलाई, बताओ क्या होगा, वेरी गुड। देखो भाई जो बाली है वो कान में पहनी जाती है, तो बेटा जो कलाई है, कलाई में क्या पहनी जाती है, चूड़ी, तो यही आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर, बैंगल, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हो, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, देखो भाई जल्दी से, वुड पेपर स्टील, लकड़ी कागज और स्टील क्या है, बताइए। लकड़ी से कागज बनता है तो स्टील से क्या बनने वाली है, ठीक है बेटा, देखो लकड़ी से कागज बनता है, इसकी लुगदी से आप जानते हो, और स्टील से क्या बनती है, नेल बनती है यानी कील बनती है, कील, ठीक है स्टील से कील। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ज्वेलरी गोल्ड फर्नीचर, जल्दी जल्दी आप उड़ाते चलिए इसी तरह से, बिल्कुल करेक्ट आंसर देना है, सभी को करेक्ट आंसर देना है, मेरे साथ पढ़ते जाना, इनको वन टाइम क्वेश्चन होते हैं ये, सिर्फ एक एक बार पढ़ना है बस, बार बार पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, और जिसने लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक करो, नहीं बहुत पाप पड़ने वाला है। वेरी गुड, देखिए सभी लोग जानते हैं कि जितनी भी ज्वेलरी है ना,
क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ज्वेलरी का निर्माण सोने से होता है, गोल्ड से, तो फर्नीचर का निर्माण किससे होता है? लकड़ी से होता है, वुड से होता है, आप सभी लोग जानते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ऑथर नॉवेल, तो आपको दिया है कोरियोग्राफर, बताओ भाई कोरियोग्राफर आप बहुत सारे लोगों को जानते होंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। लेखक उपन्यास लिखता है तो कोरियोग्राफर का काम क्या होता है भाई? डांस कोरियोग्राफ करना, क्लियर है, डांस से रिलेटेड होता है ये, आप सभी लोग जानते हो, ठीक है। डांस इंडिया, डांस और पता नहीं कौन कौन से आप देखते हो शोज। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टेलीफोन, मोबाइल फोन, कंप्यूटर, बताओ। बहुत आसान है, वेरी गुड। देखो ध्यान से देखो, इसमें टेलीफोन का जो वायरलेस वर्जन है वो मोबाइल फोन है, और कंप्यूटर का जो वायरलेस वर्जन है वो लैपटॉप है, तो ये डी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एंड आपके समय की शुरुआत होती है अब, उड़ा दीजिए भाई जल्दी से। भोजन, भूख, सोना, बताओ। सोना, नींद वाला सोना, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखो ध्यान से, भूख खत्म करने के लिए खाना खाया जाता है, और सोने से क्या खत्म हो जाती है? थकावट, वेयरिनेस, जिसे इंग्लिश भाषा में कहते हैं। अगला सवाल है आपके सामने देखिए, और आपके समय की शुरुआत होती है अब, बताइए। डॉक्टर का रिलेशन हॉस्पिटल से है तो सेफ का रिलेशन किससे होगा? सेफ का रिलेशन, सेफ कहां पर पाया जाएगा, डॉक्टर कहां पर? हॉस्पिटल पर मिलेगा। अब आप बोलोगे कि डॉक्टर तो घर पे भी रहता होगा, तो घर पे तो सब रहते हैं। ठीक है, तो भाई डॉक्टर का प्लेस क्या? हॉस्पिटल है, तो सेफ का जो एक्चुअल प्लेस है वो कौन सा है? किचन है, आप सभी लोग जानते हो, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, एंड हम आपके समय की शुरुआत करते हैं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। हैन एग, तो ट्री, बताओ भाई। बहुत बढ़िया, देखिए आप सभी को पता है कि मुर्गी अंडे देती है और पेड़ हमें बीज देते हैं ना, बीज, क्लियर है, और उन्हीं बीज से हम फिर से पेड़ बनाते हैं, पौधे बनाते हैं, पौधे पेड़ बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। विंडो, पेन और बुक, बताओ भाई जल्दी से। वेरी गुड, देखो बेटा, विंडो का जो एक भाग होता है वो पेन कहलाता है, और जो बुक का एक भाग होता है वो पेज होता है, ठीक है, पेज, क्लियर है कहानी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 आपके सामने आ चुका है। कॉट, मैट्रेस, फर्श, चारपाई में गद्दा, तो फर्श में क्या डालोगे बताओ? कई लोगों ने टाइल्स डाल दिया होगा, हैं? कई लोगों ने टाइल्स लगा दिया, हाँ अभय प्रताप ने टाइल्स लगा दिया, निकी ने कर्टन लगा दिया, पर्दा लगा दिया फर्श में ही। और बेटा ना तो टाइल्स लगाना है, क्योंकि यहां गद्दे से रिलेशन लिया गया है, पर्दे का तो बात ही खत्म हो गया है ना, ये बेड स्प्रेड तो इसको हटा ही दो, बचता क्या है? कारपेट लगाना है बस, ठीक है, कारपेट, इज दैट क्लियर? हाँ जी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। साल्ट, हाइपरटेंशन, शुगर से क्या होगा? सभी लोग जानते हैं शुगर से क्या होगा, शुगर लोग कब छोड़ देते हैं?
बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त आंसर दे रहे हो आप। देखो, साल्ट से क्या हाइपरटेंशन, तो शुगर से क्या डायबिटीज, सभी को मालूम है, बी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताओ भाई, प्रोलॉग एपिलॉग प्रस्तावना उपसंहार, तो डॉन का अपोजिट क्या होगा? डॉन का अपोजिट DAWN, डॉन। वेरी गुड। देखो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना आप देखते हो किसी बुक में स्टार्टिंग में जो लिखा होता है ना। उपसंहार क्या है, जो लास्ट में लिखा है। और ये उषा क्या होता है, उषा होता है भोर का समय, तो सूर्यास्त का समय कौन सा होता है, ट्यूबलाइट। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। हाँ जी, आई बात समझ में, बताइए। सूर्यास्त का समय है और ये डॉन है और ये आपका ट्यूबलाइट, इज दैट क्लियर। कई जगह आपको इसका आंसर डस्क भी मिल सकता है, और डस्क भी इसका आंसर है क्योंकि संध्या का जो समय होता है, ये भी आप ये समझो कि संध्या का समय सूर्यास्त का ही समय होता है, जब 6 बजे का टाइम होता है वो डस्क माना जाता है, क्लियर है। तो कई बच्चों ने जो ए नंबर दिया है वो भी अपनी जगह में सही है, लेकिन कभी कभी इसका आंसर ये कंसिडर कर लेते हैं और कभी कभी ये कंसिडर कर लेते हैं, क्लियर है। तो ये दोनों केसेस में आप सही हो अपनी जगह। हाँ जी बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, देखिए मोरनी मोर, तो आपको रिलेशन बताना है बीच का, किससे बताओगे, बहुत आसान है ये तो, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो आप इसमें पी हैन पी कॉक, तो बीच का अपोजिट क्या होता है, डॉग। यही आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बताइए, टीचर स्टूडेंट, तो ये आपको दिया धर्माध्यक्ष कहां पर होता है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। देखो टीचर्स किनको वही पढ़ाते हैं, स्टूडेंट्स को, तो जो धर्माध्यक्ष होते हैं किनको ट्रेन करते हैं, ये डिसिपल्स को ट्रेन करते हैं, ये आप जानते हो, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, देखिए क्वेश्चन नंबर 45, और जल्दी से उड़ाते चलो, अभी एनर्जी डाउन नहीं करना भाई, अभी तो एनर्जी हमारी आने वाली है, अभी हमारे खेल का एक पड़ाव खत्म होने वाला है। हाँ जी, हमें लाइक करना है 50 लाइक्स, और जिसने लाइक नहीं किया जल्दी लाइक कर लो भाई, तुम लोग लाइक करने में शर्माते क्यों? ठीक है, देखो जो मधु यानी बीज की जो आवाज होती है गुंजन यानी हम, आउल की जो आवाज होती है हूट कहते हैं उसको, घुंघुआना, हूट, है ना। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कंफर्म्ड इनवेटरेट, वेरी गुड। देखो इसमें ये दोनों क्या है, रिलेटेड वर्ड्स है निश्चित, और इन्वर्टरेट, तो आर्थिक यानी फाइनेंशियल जो है वो इससे रिलेटेड होगा, बैंकक्रप्ट से, दिवालिया से रिलेटेड होगा, क्लियर है। हाँ जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये देखिए कोयले को क्या कहा जाता है, ब्लैक डायमंड, तो पेट्रोलियम को क्या कहोगे, बताइए सभी लोग पेट्रोलियम को क्या बोलेंगे। हाँ जी, जिस तरह से कोल यानी कोयले को ब्लैक डायमंड कहा जाता है, उसी तरह से पेट्रोलियम को क्या कहते हैं भाई, लिक्विड गोल्ड कहा जाता है। क्या कहते हैं, लिक्विड गोल्ड यानी तरल सोना, ठीक है, तरल सोना है। और वैसे भी आप जानते हो आजकल तो डे बाय डे महंगाई होता जाता है। ये लीजिए अगला सवाल,
पोस्टर दीवार पर लगाया जाता है तो फोटोग्राफ कहां पर लगाओगे भैया? फोटोग्राफ कहां लगाओगे बताओ? है फोटो को तो आजकल सीने पर लगाने का ट्रेंड चलता है, पर कोई बात नहीं, एक्चुअल में फ्रेम में लगाया जाता है, यही तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, हाँ वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और ये लीजिए बताइए, पोएट इमेजिनेशन पर काम करता है तो जो हिस्टोरियन इतिहासकार है वो किस पर काम करेगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 49। कवि जो होता है वो कल्पना के आधार पर काम करता है, ठीक है, इमेजिनेशन के आधार पर। तो जो इतिहासकार है वो फैक्ट्स के आधार पर काम करेंगे, ठीक है, तथ्यों के आधार पर काम करेंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ेंगे हम और अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये आ चुका है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। त्रिभुज सटभुज तो बताओ भाई क्या है कहानी इसमें, क्या लॉजिक लग रहा है? बहुत ही छोटा सा बच्चों वाला लॉजिक है, बच्चों वाला लॉजिक है। सभी लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो भाई, शेयर कर दो जल्दी से, अभी पार्टी शुरू हुई है। अभी तो हम अर्ध से अर्ध शतक में पहुंचे हैं, हाफ सेंचुरी, अभी हमें हाफ सेंचुरी और कंप्लीट करना है क्योंकि हम सेंचुरी कंप्लीट करने वाले। आप ये बताओ, इसमें तीन साइड्स होती हैं और फिर इसमें छह साइड होती हैं, यानी तीन का डबल कर दिया छह, तो रेक्टेंगल में बेटा चार साइड होती है और ऑक्टेगन में आठ साइड होती है, तो चार का यहां भी डबल कर दिया, मतलब बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। ये लॉजिक आपको लगाना है, क्लियर है? हाँ जी, ये लॉजिक आपको लगाना है, बात समझ रहे हैं? इज इट क्लियर? आगे बढ़ेंगे, खूबसूरत सा क्वेश्चन आपके सामने है, वायरस स्मॉल पॉक्स एंड आपके समय की शुरुआत होती है, बताइए बैक्टीरिया। वेरी गुड, द कॉजेटिव एजेंट ऑफ स्मॉल पॉक्स इज वायरस, और जो बैक्टीरिया है ये किसका एजेंट है भाई? स्मॉल पॉक्स कि टाइफाइड होता है इससे, यही होगा मुझे लगता है, बी नंबर करेक्ट आंसर, टाइफाइड। ठीक है, अब ये अगला क्वेश्चन है एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होम में किचन, तो प्लांट का किचन क्या होता है बताओ? प्लांट का किचन कहां पर होता है? पौधे अपना खाना कहां बनाएंगे? उनका भी तो कोई ना कोई किचन होगा। एक्सीलेंट, हमारे घर में जो खाना बनाने की जगह होती है उसे किचन कहते हैं, पौधों में जो खाना बनाने की जगह होती है वो लीफ है, पत्ती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर दिस क्वेश्चन। उड़ाते चलो भाई, जल्दी से जल्दी उड़ाते चलो, सभी लोग उड़ाते चलिए। किताब दराज और कपड़ा कहां पर रखा जाएगा बताओ? ये बात तो सभी को मालूम ही है। वेरी गुड, तो आप देखो इसमें देख सकते हो कि ये है, यहां से देखो किताब कहां पर रखी जाती है दराज में और कपड़ा कहां पर रखा जाता है भाई? कपड़ा रखा जाता है वार्डरोब में, ये वार्डरोब में ही रखोगे, क्लियर? तो सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक्स चॉपिंग के काम आता है, तो नीडल बहुत बढ़िया, जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो भाई, जल्दी से लाइक कर दो, 50 लाइक पूरे करो फास्ट, यू हैव टू कंप्लीट 50 लाइक्स। देखो जल्दी से, एक्स का काम है काटना, तो नीडल का काम क्या होता है? बुनना, निट, देखा होगा आपने कई बार, ठीक है, औरतों को महिलाओं को आपने बुनते हुए देखा होगा, स्वेटर बुनते हुए देखा होगा, ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल आपके सामने है, गेहूं अनाज, तो इधर जो वाटर है इसका रिलेशन किससे होगा बताइए। वेरी गुड, एक्सीलेंट, हाँ बहुत बढ़िया। देखो तुम गेहूं क्या है भाई, अनाज है, तो पानी क्या है, लिक्विड है, तरल पदार्थ, यही बी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा। और अगला सवाल है आपके सामने, ये योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, एस्ट्रोनॉमी स्टार्स और जियोलॉजी, खगोल विज्ञान, तारा और भूविज्ञान, बताइए। बहुत बढ़िया, आप देख सकते हो कि जिस तरह से एस्ट्रोनॉमी रिलेटेड स्टार्स है, तो जियोलॉजी किससे रिलेटेड होगा, अर्थ से, पृथ्वी से, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और आपके समय की शुरुआत की जाती है अब। ठीक है, जितने ज्यादा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा कमांड होगा इन टॉपिक्स में। इन टॉपिक्स में कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए इनमें, फटीग, आराम। तो डिहाइड्रेट, डिहाइड्रेशन को कैसे दूर कर सकते हो, जिस तरह से थकान को दूर करने के लिए आराम की जरूरत होती है, उसी तरह से डिहाइड्रेशन को अगर दूर करना है तो आपको पानी की जरूरत होगी। डिहाइड्रेशन पानी से ही खत्म किया जा सकता है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एंड मैं आपके समय की शुरुआत करता हूं। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, वीडियो कैसेट कंप्यूटर, बताइए किससे रिलेटेड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। देखिए आप ये जानते हो कि वीडियो किस पर रिकॉर्ड कर सकते हो आप, कैसेट पर, तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज डिवाइस होती है उसे हम फ्लॉपी डिस्क कहते हैं, फ्लॉपी। ठीक है, अगला सवाल है आपके सामने, ये है बिहेवियर साइकोलॉजी, तो प्लांट का रिलेशन किससे होगा एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। बिहेवियर मनोविज्ञान से संबंधित है, तो पौधे का संबंध किससे होगा। वेरी गुड, देखिए जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज कॉल्ड साइकोलॉजी। सो स्टडी ऑफ प्लांट्स, पौधों का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है, वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी। तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 60 में आ चुके हैं हम और बहुत जल्दी हम अपने सफर के नजदीक पहुंचने वाले हैं। अभी 40 क्वेश्चन का हमारा सफर है और इसी तरह से आप आराम से बिल्कुल सॉल्व करते चलिए। माइटोकॉन्ड्रिया एनर्जी, तो डीएनए से क्या पता लगता है। इनहेरिटेंस, वंशज, ठीक है, उत्तराधिकारी है कि नहीं है, इसके लिए क्या करोगे आप, डीएनए। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, बताइए जल्दी से। इसमें दिया है सीजल, स्कल्प्टर, हैरो, छेनी से काटना मूर्तिकार का काम होता है, तो हैरो का रिलेशन बताइए किससे होगा। वो हैरो आपने देखा होगा जिससे पौधों की छटाई वटाई करते हैं, वो तो वो कौन लिए रहता है, गार्डनर, बागवान लिए रहता है। क्लियर, अगला क्वेश्चन आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, मून सैटेलाइट, तो अर्थ क्या है। बहुत आसान, चलिए बहुत जल्दी 50 लाइक्स पूरा होने वाला है। चंद्रमा क्या है, एक उपग्रह है, तो पृथ्वी क्या है बेटा, पृथ्वी एक आप जानते हो कि प्लैनेट है यानी ग्रह, ठीक है, जिसमें हम सब रह रहे हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए जिस तरह से साइकोलॉजी माइंड से रिलेटेड है, तो अर्थमेटिक किससे रिलेटेड है, अर्थमेटिक किससे रिलेटेड होगा,
बहुत बढ़िया, उसके नाम से ही आपको क्लियर समझ में आ रहा है। देखो साइकोलॉजी क्या है भाई, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड माइंड से रिलेटेड है साइकोलॉजी, तो अर्थमेटिक का डायरेक्ट कनेक्शन नंबर से ही होगा। अंक गणित का रिलेशन अंक, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, शीप मटन तो डियर, बताइए वेरी गुड। अब इसका हिंदी पढ़ लोगे ना तो कभी गलत कर ही नहीं सकते हो, कभी गलत ही नहीं होगा। आप इसमें देख सकते हो कि जो भेड़ का मांस होता है उसे मटन कहते हैं, तो जो हिरण का मीट होता है उसे वेनिजन कहा जाता है, यानी हिरण का मांस। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉयल इरोजन आपके समय की शुरुआत होती है, तो फॉरेस्ट बताइए। भूक्षरण मृदा अपरदन जिसे कहते हो आप, ठीक है, ज्यादा बारिश की वजह से आप जानते हो कि मिट्टी का कटाव, ये सॉइल इरोजन, फॉरेस्ट क्या होता है डिफॉरेस्टेशन यानी वनों की कटाई, क्लियर। हाँ जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये आ चुका है, ये दिया है एमनेसिया, मेमोरी से रिलेटेड है, तो पैरालिसिस किससे रिलेटेड होगा। क्वेश्चन नंबर 66, देखो अमनेशिया क्या होता है, लॉस ऑफ मेमोरी, तो आप जब पैरालाइज हो जाते हो तो मूवमेंट में प्रॉब्लम आ जाती है, ठीक है, मूवमेंट में इश्यू आ जाता है, तो यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो 67, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए मैकैब्रे विभत्स लवली विनाशकारी क्या होगा, बताओ इसका। वेरी नाइस, सभी को लाइक करना है भाई, जो भी बाद में भी जुड़ रहे हैं सबको लाइक करना है, ठीक है। आप इसमें देख सकते हो विनाशकारी का अपोजिट होगा इनॉक्वस यानी हानिकारक, जिससे कोई भी हानि ना हो, जैसे आप देख सकते हो विभत्स का मतलब होता है भद्दा, ठीक है, तो उसका अपोजिट होता है प्यारा, मतलब एक दूसरे के अपोजिट वर्ड्स दिए गए, तो आपको उल्टा देखना है, एंटोनिम्स देखना है, तो ये आप देख सकते हो बेनफुल यानी विनाशकारी, विनाशकारी का अपोजिट क्या हो गया, जिससे कोई भी लॉस ना हो, हानिकारक, हानिकारक इनॉक्वस। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए डेमोग्राफर पीपल और फिलेटलिस्ट जनसांख्यिकी विशेषज्ञ, जन तो टिकट संग्रह करता, किससे रिलेटेड होगा, बहुत आसान है। वेरी नाइस, एक्सीलेंट, हाँ जी सभी को लाइक करना है, सबको लाइक करना है। तुम रोहित बहुत डांस कर रहे हो आज, वो भी लड़कियों के ड्रेस पहन पहन के, है क्या है ये, देखो जो फिलेटलिस्ट होता है जो स्टाम्प कलेक्ट करता है, क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्ले एक्टर कॉन्सर्ट ये बताइए। बहुत बढ़िया, देखो जो कॉन्सर्ट होता है जहां पर बहुत सारे म्यूजिशियन इकट्ठा होते हैं और जब कोई प्रोग्राम होता है तो उसे हम कॉन्सर्ट कहते हैं, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 70, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, जर्मनी मार्क मोरक्को बताइए। वेरी गुड, देखो यहां पर कंट्री करेंसी यानी ये जर्मनी की करेंसी क्या है, मार्क, तो मोरक्को की जो करेंसी होगी वो दिरहम, क्या होती है, दिरहम होती बेटा, दिरहम, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए क्वेश्चन नंबर 71, और बहुत जल्दी बस क्वेश्चंस हम बहुत ही जल्दी क्वेश्चंस अपने कंप्लीट करने वाले हैं, बस इसी एनर्जी से आप सॉल्व करते चलिए।
रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स। अब ये तो देखो आपको पता होना चाहिए साइंस की भाषा में, जैसे आप जानते हो कि रेड ब्लड सेल्स जो होती है वो एरिथ्रोसाइट्स है ना कहलाती है, तो श्वेत रक्त कणिकाएं जो होती हैं, ठीक है, इन्हें कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, इन्हें क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स। इज इट क्लियर? अगला क्वेश्चन है आपके सामने, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, जल्दी जल्दी सेशन को लाइक करें और जल्दी जल्दी शेयर करें, अधिक से अधिक जल्दी सेशन को सभी लोग लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। भाई राम राम, आराम गुर्जर जी, आराम गुर्जर जी, जल्दी लाइक कर दीजिए आप, फिर आप आराम करिए। बहुत बढ़िया। देखो जो पोलियो है वो एक वायरल प्रॉब्लम है, आप जानते हो वायरल बीमारी है, और जो एंथ्रेक्स है ये क्या है, ये है बैक्टीरियल। इज दैट क्लियर? हाँ जी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 73 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। संदेह घृणा तो जलना, वेरी गुड। देखिए संदेह से क्या है, घृणा पैदा होती है, तो जलने से क्या पैदा होगा भाई बताओ? नहीं, झुलसने से, जैसे आप देखो अगर किसी से आप नफरत करते हो तो उस पर संदेह करोगे, उल्टा रिलेशन समझो, आप किसी से अगर नफरत करते हो तो उस पर आप डाउट करोगे, संदेह करोगे। तो अगर आप मान लो झुलस जाओगे तो क्या महसूस करोगे, जलन महसूस करोगे, बर्न, ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ जी। अगला सवाल है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कार्डियोलॉजिस्ट जो हार्ट के बारे में जानते हैं, जो किडनी के बारे में जानते हैं, तो बताओ किडनी के बारे में जो जानते हैं, हाँ बहुत बढ़िया। नहीं, बहुत सारे बच्चों ने बी आंसर दिया बेटा, लेकिन देखो जो हार्ट की स्टडी करते हैं, हार्ट के बारे में जानते हैं, वो कार्डियोलॉजिस्ट होते हैं, जो किडनी के बारे में जानते हैं वो नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं, यानी सी नंबर आपका करेक्ट आंसर होगा, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। ये देखिए, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, बताइए, बहुत आसान सवाल है ये। भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ये तुमको नहीं बनता तो तुम घर चले जाओ, सो जाओ, आराम करो, विश्राम करो, एंजॉय करो, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पर आगे बढ़ेंगे हम, अगला सवाल है आपके सामने, बहुत अच्छा क्वेश्चन एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। क्या दिया, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, तो अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, बताइए। बहुत बढ़िया, बी कौन बता रहा भाई, बी 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 सब बी बता रहे हो, 26 जून है, 26 जून नहीं होता बेटा, 8 मार्च है, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, 8 मार्च होगा बेटा, 8 मार्च। अगला क्वेश्चन देखिए जल्दी से, ये बताइए रविशंकर सितार से रिलेटेड है तो बिस्मिल्ला खां किससे रिलेटेड है बताओ? बहुत बढ़िया। देखो जिस तरह से रविशंकर जी का रिलेशन सितार से है तो बिस्मिल्ला खां शहनाई वादक है, आप सभी जानते हो, तो इनका रिलेशन शहनाई से होगा। क्लियर? अगला सवाल है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 78 एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। इंडिया मैंगो, न्यूजीलैंड, एक ऐसा फल जो काफी महंगा होता है, हर व्यक्ति नहीं ले सकता, आप सभी लोग जानते हैं, और उस फल के नाम का एक पक्षी भी होता है। आप देखो कि जिस तरह से इंडिया में मैंगो फेमस है, उसी तरह से न्यूजीलैंड में कीवी,
ठीक है, काफी मात्रा में मिलता है। यस, कीवी, बिल्कुल करेक्ट। अगला सवाल है, आप देख सकते हो, एंड क्रिसमस क्वेश्चन मार्क और बिरयानी, बताइए क्या है कहानी, क्या है इसका लॉजिक। देखो, क्रिसमस जो सेलिब्रेट किया जाता है वो क्या है, केक, केक के थ्रू, क्लियर है। जो केक की परंपरा वो क्रिश्चियंस की है, और इधर ईद उल फितर जो किया जाता है वो क्या है, बिरयानी के थ्रू। बिरयानी बनेगी, सब में बटेगी, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, देखे वॉयज एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सी सिकनेस, समुद्री यात्रा, समुद्री भय, ऊंचाई, तो बताओ क्या है ऊंचाई का रिलेशन। अब जिसको ऊंचाई से डर लगेगा तो आप तो जानते ही हो क्या होगा। चक्कर आएगा कि नहीं आएगा, तो ये हो जाए गिडिनेश। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 81, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। तार, वायलन, पियानो, बताओ। स्ट्रिंग वायलन में लगी होती है, तो पियानो में क्या लगे होते बेटा। ठीक है, आपने देखा होगा मूवीज में, रियल में की लगे होते हैं वो एक तरह से कीबोर्ड टाइप का, ठीक है, जैसे हारमोनियम टाइप से बड़ा सा। ये लीजिए नेक्स्ट, फ्रेम में पिक्चर लगाई जाती है, तो आप ध्यान से देखिए और क्या होगा रिलेशन। बहुत बढ़िया, सभी लोग लाइक करेंगे भाई, सभी जल्दी से लाइक करेंगे। देखो, आप फ्रेम में पिक्चर लगाई जाती है, उसी तरह से कवर, बुक को सुरक्षित रखने के लिए कवर लगाया जाता है, जैसे पिक्चर को सुरक्षित रखने के लिए फ्रेम लगाया जाता है, उसी तरह से बुक को सुरक्षित रखने के लिए कवर लगाई जाती है, ठीक है बेटा। अगला सवाल है आपके सामने, देखिए बहुत आसान सा क्वेश्चन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बिहू, असम, ओनम, बताइए, बहुत आसान सवाल है, फेस्टिवल से रिलेटेड है, आप जान देख सकते हो। देखो, बिहू एक फेस्टिवल है जो असम में सेलिब्रेट होता है, और ओणम एक फेस्टिवल जो केरल में होता है, केरला में, तो ये बी नंबर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, मोतियाबिंद आंख तो निमोनिया, बताइए मोतियाबिंद से आंख प्रभावित होती है तो निमोनिया से क्या प्रभावित होता है, किस पर फर्क पड़ता है। बहुत बढ़िया विकास, वेरी गुड विकास। बी, बी कौन बता रहा है भाई, निमोनिया से देखो लंग्स में इफेक्ट पड़ता है बेटा, कान में इफेक्ट थोड़ी पड़ता है, तुम लोग बी बता रहे हो, ठीक है। निमोनिया किसी को होता है तो उसके लंग्स पर इफेक्ट पड़ता है, समझ रहे हो, तो आपका सी नंबर करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 85, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वेल, एक स्तनपायी जानवर है, तो कछुआ क्या है। अब कछुआ तो आप सभी को पता ही है कि कौन सी कैटेगरी का जानवर है ये। एक्सीलेंट, जो अभी जुड़ा है वो जल्दी से भाई लाइक करेगा सेशन को, 50 लाइक्स कंप्लीट करना है। रोहित, वेल एक मैमल की कैटेगरी में आता है, तो जो टर्टल है वो रेप्टाइल कैटेगरी में आएगा, फिसल कर चलने वाले जानवर, जैसे सांप हो गया, ठीक है, कछुआ हो गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, बताइए। आई ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, तो म्यूजिक, 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 यहां तुम अगर हिंदी देख लोगे तो तुरंत बता दोगे हिंदी का रिलेशन, संगीतकार, ये देखो कंपोजर, जिसे इंग्लिश में कंपोजर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ये बताइए,
यार्ड इंच। क्या हो गया, तुम डांस कर रहे हो लाइक के लिए, तुम ऐसी बात कर रहे हो। एक बार जंगल में राजा का चुनाव हुआ तो गलती से बंदर को राजा बना दिया है ना। यार्ड और इंच दोनों क्या है ये बताइए। दोनों लेंथ को मेजर करने के लिए है। जो क्वार्ट और इसमें क्या होगा, क्वार्ट और ऑन्स, ठीक है, ये यूनिट है वॉल्यूम के, ठीक है, मेजर करने के लिए। ये जो है ऑन्स, ये भी क्या है भाई, आयतन मेजर करने के लिए होते हैं दोनों, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कीटनाशक फसल, रोगाणु निरोधक, एंटीसेप्टिक, बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। पेस्टिसाइड फसलों को कीड़ों से बचाने के लिए यूज होता है, और एंटीसेप्टिक आप जानते हो कि वाउंड वाउंड हो गया, थोड़ा बहुत जल गए आप, कट गया, तो वहां एंटीसेप्टिक आप बोरो प्लस का यूज जानते ही होगे, ठीक है। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 89। बहुत जल्दी हम सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। ये लीजिए भाई, आशावादी, हर्षवादी, निराशावादी, बताओ क्या होगा। जो आशावादी है वो खुश रहेगा, जो निराशावादी है वो क्या हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान सी बात है, जिसके जीवन में कोई उम्मीद उसको लगेगी, ठीक है, कोशिश करेगा तो उम्मीद लगेगी, उम्मीद लगेगी तो खुश रहेगा, और अगर कोशिश नहीं करेगा तो निराश रहेगा। निराशावादी क्या रहेगा, दुखी रहेगा, सीधी सी बात है। तो ये आपको देखो फर्स्ट नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा 89 का। अगले सवाल पर आ चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 90, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। खिलाड़ी, टीम और मिनिस्टर्स, मिनिस्टर का रिलेशन किससे होगा, बताओ। बहुत बढ़िया, देखो जो खिलाड़ी है वो टीम का एक सदस्य होता है, तो जो मंत्री है वो परिषद का एक सदस्य तो होता है, मिनिस्टर इज अ मेंबर ऑफ काउंसिलिंग काउंसिल, सॉरी। ये हो गया आपका करेक्ट आंसर, दिखे, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। होठ, लिप्स, स्माइल, और आंखों से क्या कर सकते हो आप, आंखों से तो बहुत कुछ कर सकते हो तुम, बताओ। बहुत बढ़िया, देखो जिस तरह से आप होठों से मुस्कुरा सकते हो उस तरह से आंखों से झपकी भी तो ले सकते हो, ठीक है, यही होगा आपका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, उड़ाते चलिए जल्दी जल्दी। वैकेंट, एम्पटी, तो डर्थ, बहुत अच्छे सिनोनिम्स ही है, एक दूसरे के अपोजिट है। वैकेंट का पर्यायवाची सिनोनिम्स, तो डर्थ का, यानी डर्थ का मतलब अकाल, अल्पता, स्कार्सिटी, कमी, किसी भी चीज की कमी होना। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 93, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अमीटर, करंट, तो बताइए, करंट की यूनिट है ये, इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ करंट। सिमिलरिटी, सिमिलरली बताओ क्या होगा। ये आप हिंदी पढ़ लोगे ना तो क्लियर दिख रहा है, वायु वेग मापी। एनीमोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज टू मेजर द फ्लो ऑफ विंड, ठीक है। अगला सवाल है आपके सामने, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। प्रेशर, बैरोमीटर, ओडोमीटर से रिलेटेड क्या है। बहुत अच्छे, इसको अगर आप हिंदी में देखो ना, मील मापी, मील का मतलब क्या है, डिस्टेंस से ही मतलब है, तो ये बी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका।
बी इज द राइट आंसर। अगला सवाल है आपके सामने एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। बहुत बढ़िया, जीवित मृत क्वेश्चन, ये तो अपोजिट है, बहुत आसान है। तो क्वेश्चन का अपोजिट आंसर। अगला सवाल नाइट स्टार्स, तो डे, बहुत बढ़िया। वेरी गुड। देखो रात में आपको अगर तारे दिखते हैं तो दिन में कौन दिखेगा? सूर्य, ठीक है, दिन में सूर्य दिखेगा। अगला सवाल है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 97, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। कॉटन व्हाइट कलर का तो कोयला, बहुत आसान है, ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसमें तो गाना भी बना है, आपको मालूम है कोयला कैसा है, काला, ब्लैक, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 98। ये बताइए ऊर्जा वॉट, पावर वॉट, बहुत बढ़िया। यस, लड्डू 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 खा लो तुम तो। पावर की यूनिट वॉट, तो वर्क की क्या है, जूल, कार की जूल, यही है करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखिए, येलो, लेमन, पर्पल कौन होता है? उसके नाम से ही क्लियर हो रहा है तुम्हें। तो ये डी कौन लगा रहा है भाई? डी प्याज लगा रहे हो, बैगनी, अरे भैया बैगन, सिंपल सा, ठीक है। प्रिंस, तुमने कब प्याज को बैगनी कलर में देख लिया? ये बताइए गाड़ी सड़क पर चलती है तो समुद्री जहाज कहां चलेगा? ठीक है, तो ये पानी पर ही चलेगा। अगला, बस एक दो क्वेश्चन और है, इनको भी कंप्लीट कर लो, ये पूरी फाइल कंप्लीट कर देते हैं। बहुत बढ़िया, गेगा आयोडीन की कमी से होता है तो अनीमिया। अनीमिया यानी ब्लड की कमी, ये आयरन की कमी से होगा। अगला देखिए, ये बताइए किलोमीटर मीटर टन, ठीक है। देखो किलोमीटर की छोटी इकाई मीटर होती है, तो टन की छोटी इकाई क्या होती है, किलोग्राम, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलेंडर में आप डेट चेक करते हो तो इंडेक्स में आपको क्या पता चल जाता है, बताओ? काजल, अभी किसने मैसेज किया था अभी, क्या आपने कमेंट किया था, कब तक प्रयास करते रहना चाहिए, मैं देख नहीं पाया। इसमें आप क्या विषय वस्तु चेक करोगे इंडेक्स के अंदर, के अंदर क्या क्या चीजें हैं, किसी किताब के जो ऊपर इंडेक्स दिया होता है उससे आप क्या चेक करते हो कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक है, क्या क्या पढ़ाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
कनाडा ओटावा, तो बताइए क्या है रिलेशन इनका। वेरी गुड, आप देख सकते हो कनाडा की कैपिटल क्या है, ओटावा, ठीक है। तो मिस्र की कैपिटल हो गई काहिरा, क्लियर। ये लीजिए नेक्स्ट एंड लास्ट, देखो भाई अग्नि क्या है, जलाने का काम करती है, और आइस क्या करता है, जमाने का काम करता है, ठीक है। कोई हमारे साथ जुड़े हैं जो बागेश्वर धाम क्या लिखा है इन्होंने न्यूज जो भी वट एवर, इनका एक क्वेश्चन ये है कि हमें कब तक प्रयास करते रहना चाहिए अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं, या बीच में क्विट कर देना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट तो मेरे हिसाब से ये होगा कि सबसे पहले आप ये चेक करो कि आप असफल क्यों हो रहे हो। असफल होने का कोई ना कोई विशेष कारण जरूर निकल के आएगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम बार बार असफल हो रहे हैं तो या तो हमारी स्ट्रेटजी में कहीं ना कहीं कोई कमी है, या तो हमने ढंग से कुछ ना कुछ तो नहीं किया है, ठीक है। कुछ ना कुछ फॉल्ट है, उस फॉल्ट को हमें क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। आजकल देखो सबसे आसान काम है चेक करने का कि आप पेपर देने जाने से पहले आप मॉक टेस्ट लगाते हो। जब आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो या तो आप बहुत सरल सरल लगाते रहते हो, उन्हीं को बार बार लगाते रहते हो, आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। आप कई बार कठिन लगाओ, कई बार मॉडरेट लगाओ, और अगर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं तो आपको पहले से ही पता है कि आपकी तैयारी अच्छी है और अब आप एग्जाम के लिए तैयार हो। और अगर आप मान लो मॉक टेस्ट लगाते ही नहीं हो तो आप दुनिया के सबसे लापरवाह इंसान हो। अगर आप मॉक टेस्ट लगाते नहीं हो, पेपर्स आप लगाते ही नहीं हो, आपने कभी पेपर के थ्रू एनालाइज ही नहीं किया कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, ठीक है, क्या हमारी स्कोरिंग हो रही है, कहां पर कमी है, उस कमी को दूर कैसे करें, ठीक है, क्या आपने सबसे पहले पूरा कोर्स कंप्लीट किया है, क्या आपने बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है, क्या आपने पेपर्स को ऑनलाइन मोड में लगाया है अगर आप ऑनलाइन मोड का एग्जाम देने जा रहे हो। तो इन सारी चीजों पर ये छोटी छोटी बातें, लेकिन ये सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें होती हैं। अगर आप इन सभी पैरामीटर्स पर काम करना स्टार्ट कर दोगे और इन कमियों को ढूंढ करके खुद दूर करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि क्विट करने का कोई सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है। क्विट तो इंसान को उस सिचुएशन में कर देना चाहिए जब वो इंसान खुद समझ लेता है कि भाई ये मेरे बस का ही नहीं है, और दुनिया में ऐसा कुछ है नहीं जो बस का ना हो, बस कोशिश करना पड़ता है। कई बार हमें रास्ते चेंज करने पड़ते हैं, मंजिल तो हमारी एक जैसी रहती है। अगर हमने डिसाइड कर लिया कि हमें भाई यहां पहुंचना है तो हमारी मंजिल फिक्स है, बस रास्तों में प्रॉब्लम आ रही, रास्तों को चेंज करते रहना पड़ेगा, ठीक है। तो बस कुल मिला के मेरा मानना यही है कि आपको क्विट करने की जरूरत नहीं है, अपनी कमियों को ढूंढ करके उन पर काम करके और एक बार फिर से प्रयास करने की जरूरत है। तो बस मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये छोटी सी बात आप समझ पाए होंगे, और इसी खूबसूरत बात के साथ में हम आज की कहानी को खत्म करते हैं। और आज के हमने 100 क्वेश्चंस का टारगेट पूरा कर लिया है, इसके बाद हम रात में 9 बजे एक बहुत ही जबरदस्त क्लास में मिलने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम बहुत ही खूबसूरत तरीके से परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज का जो कंसेप्ट आप पढ़ने वाले हो बहुत ही यूनिक कंसेप्ट होने वाला, और आपको 100% मजा आएगा, कुछ ना कुछ नया जरूर सीखोगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस का सिलसिला जारी करेंगे, तो सभी लोग रात में 9 बजे हमारे साथ जुड़े। मैथ्स की लाइव क्लास है, 100% फ्री बैच है, आप सभी लोग इस बैच का फायदा लीजिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, इधर उधर मत भटकिए, अगर आप भटकोगे तो आपका ही नुकसान होगा। और अधिक से अधिक शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताइए, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और सेशन को लाइक करें अगर आपको पसंद आ रहा है तो, और बाद में क्लास के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। चलिए थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।